हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो हनी सर, नमस्कार। रविकांत जी बात कर रहे हैं? यस मैडम। कैसे हैं रविकांत जी? बहुत बढ़िया, मेरा सर कट गया। अच्छा, ऐसा तो क्रेडिट से बात करते हैं। आपका कुछ पेमेंट यूज चल रहा है क्या? दिक्कत आ रही है मैडम? दिक्कत मनी की आ गई है कुछ। किस चीज की आ रही है दिक्कत? मनी की आ रही है। मनी की आ रही है? हाँ। तो कब तक कराओगे फिर इसे मैडम? आप मैडम 2-3-4 महीने के बीच कोई सी भी डेट चुन लो। अच्छा, 2-4 महीने? अरे 2-4 महीने नहीं है सर। नहीं मैडम, आपके लिए तो एक दिन नहीं है ना, आप तो टारगेट है। आपको तो सब पता है, फिर कैसे बात कर? मैडम मैं तो टीएल रह चुका हूँ ना रिकवरी में। अच्छा, आप टीएल रिकवरी में टीएल रह चुके हैं? हाँ मैडम। तभी इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, 3-4 महीने का डाल दो मैडम। मेरे भाई की तो एजेंसी चल रही है कुणाल की। फिर आपको 50,000 की लोन की क्या जरूरत पड़ेगी सर? मैडम लोन की मैडम भाई की एजेंसी चल रही है, लेकिन हमारा थोड़ा ना वैसा मामला मतलब दुआ सलाम वाला, बातचीत कर लेते हैं बस, उससे ज्यादा कोई मतलब फाइनेंशियल है नहीं। टीएल आप रह चुके हैं इतने जगह से, आपकी सैलरी है इतना अच्छा, फिर उस बंदे को छोटे से अभी क्या जरूरत पड़ेगी 50,000 रुपए? अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं मैडम, मैं आपसे थोड़ी लोन लिया मैंने। नहीं नहीं, मैं भी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ सर, जब इतना अच्छा खासा बिजनेस है, आप लोगों की एजेंसियां चल रही है, बाप मैडम एजेंसी 50,000 लोन लिया आपने? मैडम भाई की एजेंसी चल रही है। अभी भाई बता रहे हो, कभी बाप बता रहे हो? मैडम बाप थोड़ी बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई की एजेंसी चल रही है, उससे थोड़ा ताल्लुक ऐसा है दुआ सलाम वाला। मैडम बता रहा हूँ कि मैं टीएल रह चुका था भाई की एजेंसी। जिसके घर में खाना बनता है ना, जिसके घर में खाना बनता है वही खाता है, पड़ोसियों को नहीं जिमाता है कोई भी। ठीक है मैडम, क्या कहना चाह रही हो आप? क्या कहना चाह रही हो? आपका मुझसे टारगेट नहीं होगा तो आप कहना ये चाह रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप दुनिया का क्यों ठेका लेके फिर रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ जैसे है, वो है। फिर आप इतना बड़ा क्यों बन रहे हो सर? ये मैं पूछना चाहती हूँ, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो आप मुझको गुस्सा करोगी? अरे नहीं गुस्सा नहीं, आप गुस्से वाली बातें कर रहे हो, कभी बोल रहे हो कि मेरे बाप की एजेंसी है, कभी मैडम बाप किसने? मैडम आपने जो है ना गलत सुन लिया, आपको कानों में सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना करके डालना चाहिए। भाई बोला था, फिर बोला भाई की एजेंसी है, बोला कि खास भाई है, बोला नहीं मौसी का मौसी। अरे खास नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला दुआ सलाम मतलब बातचीत चल रही थी, और भाई कैसा ही है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं दूसरों की एजेंसी में। आपका क्या इंटरफेयर है सर? मैडम इंटरफेयर नहीं है, आपने आपने मुझसे कहा कि आपको मतलब आप बोल रहे हो आपको तो सब पता, मैंने कहा मैं टीएल रह चुका हूँ भाई की एजेंसी चल रही है। टीएल रह चुके हो तो आपको ये भी पता होगा, तो पेमेंट अपडेट कर लेनी चाहिए थी। सिविल आपका खराब हो रहा है, इस चीजों की नॉलेज नहीं आपको? मैडम कैसी बातें कर रही हो आप? मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ना, ये नॉनसेंस वाली बातें कर रही हूँ ना मैडम, वो तो दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसको हम इतना सीरियस नहीं लेंगे नॉनसेंस वाली बातों का आपकी। आपने बोला 4-5 महीने डाल दिए, ऐसा कौन बोलता है मैडम? 4-5 महीने किसने बोला? मैंने कहा मैडम आप डेट चुन लो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तीनों में से जो डेट चुनोगी उसमें पेमेंट कर दूंगा। आपने डेट चुनी नहीं, आपने सिर्फ 4-5 महीने बोल दिया। आप बोले 2 महीने बाद दे दो, 3 महीने बाद 4 महीने, आप डेट चुन लो अपनी तरफ से, आपको मौका दे रहा हूँ। ऐसा मैंने किसी कॉलर को नहीं दिया, आपको दिया है। जैसे आपका नाम क्या है मैडम? म्यूट करके चलेंगे आप क्या मैडम? हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर श्रुति है। श्रुति जी? हाँ मैं श्रुति। मैंने आपको ये बोला कि आप डेट चुन लो, मैंने ये थोड़ी बोला आपसे कि मैडम मैं पेमेंट दूंगा 5 महीने बाद। आपने आपने तो बोला 3-4 महीने बाद पेमेंट कराऊंगा। मैडम 3-4 या वो 2-3-4 महीने में से आप एक चुन लो कन्फर्म के 2 महीने बाद चाहिए आपको पेमेंट, 4 महीने और 3 महीने बाद उस टाइम दे दूंगा। हेलो। हेलो गुड आफ्टरनून, निकिता बात कर रही हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून निकिता। और हनुमान जी से बात हो रही है? यस मिस निकिता। यस सर, EMI पेंडिंग सर। कौन सी? पर्सनल लोन। अच्छा ICICI का पर्सनल लोन है? IDFC।
YDFC, ये तो इतने बैंकों से लोन ले रखा है ना प्लानिंग करके। नहीं मैंने क्या है ना, बहुत सारे बैंकों से लोन ले लिया था, मैं सोचा था इससे उठा लेता हूँ इससे, और फिर बाद में डिफॉल्ट करना है, तो बहुत प्लानिंग करके लिया था, नाम भी भूल गया। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप पेमेंट कर दो। नहीं डिफॉल्ट करना है ना मुझे तो, क्या डिफॉल्ट करना है ना, डिफॉल्ट बड़ी प्लानिंग करके लिया था मैंने सारे बैंकों से। ये क्या होता है? इसको कहते हैं लेना और इंटेंशनली डिफॉल्ट कर देना। हाँ तो दे लोगे बैंक से तो देना भी तो पड़ेगा। नहीं 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 मैडम, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है नहीं देना। अच्छा अच्छा, पैसा नहीं दोगे? हाँ मैडम, हिंदी में मेरी मंशा नहीं है, उर्दू में मेरा दिल नहीं कर रहा देने का, और मैडम इंग्लिश में आई विल नॉट पे। वाय सर? मैडम मैडम इंटेंशन मैंने 50 लाख का डिफॉल्ट किया, मैंने सोचा ले लूंगा, बाद में अगर सेटल भी करने पाया 5 लाख में 8 लाख में कर दूंगा, और फिर सिविल ठीक करके फिर ले लूंगा। तो मैडम आराम से अपने बिजनेस वगैरह करूंगा या कर ले लूंगा ये। नहीं सर आपको देना पड़ेगा, तो मैं लिंक शेयर की, आप अभी कर दीजिए पेमेंट। नहीं मैडम मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों सर नहीं दोगे? मैडम क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं देने का मैडम। आप चार्जेस लग रहे हैं ना? अरे मैडम जब जिसको डिफॉल्ट करना उसको चार्ज का क्या लेना देना क्या मैडम? ठीक है सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैडम आपका भी, हैव अ नाइस डे मैडम। नहीं मैडम मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी मैडम, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बड़ी वाली नहीं छोटी। क्यों सर कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ? नहीं मैडम मैं कॉल डिस्कनेक्ट कभी करते ही नहीं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो भी बड़ी वाली। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैडम मेरा ना फोन जो है ना हैंग करता है, डिस्कनेक्ट होता ही नहीं, मैं उसको बार बार क्लिक करता हूँ रेड कलर के बटन को। मैडम इतना क्लिक करा मैंने, जो रेड कलर का बटन स्क्रीन के अंदर होता है स्क्रीन के बाहर आ गया, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं। सामने से कॉल डिस्कनेक्ट किया जाने पे कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, धन्यवाद आपका दिन शुभ। थैंक यू मैडम आपने डिस्कनेक्ट करने। हेलो हेलो। हाँ शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। शर्मा जी का पूरा नाम? वैभव शर्मा। हाँ अब बोलते बात, और बताइए क्या चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है जी। आप कौन पहचाने नहीं वैसे मैंने? मेरा नाम मनोज गौर है, कोटक महिंद्रा बैंक से। अच्छा कलेक्शन मैनेजर तो नहीं गए आप? हाँ जी हाँ जी। मनोज गोट? हाँ जी। एक तो कलेक्शन मैनेजर की आवाज ऐसी होती है मैं पहचान के पहचान जाता हूँ, मतलब सुन के आवाज। अच्छा। अरे बहुत मैनेजरों से बातचीत करी है सर, बहुत। अच्छा तो कैसी होती है उनकी बातचीत में आवाज? बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होता है करने का, जो रिकवरी वाले कट्टू वट्टू है इनका बहुत बेकार लगता है सर। और बताइए कैसा घर परिवार में सब बढ़िया? मिस्टर जो भी आपका नाम बताया आपने। मनोज गौड़ नाम है मेरा, घर परिवार में सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कैसे याद कर लिया मिस्टर मनोज आपने? सर आज कैसे याद कर लिया मिस्टर मनोज आपने? आज याद ऐसे ही कर लिया, मैंने कहीं को राजी को से पूछ लेते हैं अपने कस्टमर की। आइए घर पे आइए कभी चाय पीने। हाँ जी घर पे आइए कभी चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, कहाँ पे आना है तो? आपके पास नहीं है क्या एड्रेस? आपके पास एड्रेस नहीं है क्या? एड्रेस आप बता दो कहाँ पे आना है। नहीं मैं तो आपको दे रखा है ना वो इसी एड्रेस पे आना है, ऐसे कैसे बता दो सर? अब चाय नाश्ता के लिए बुला रहे हैं आप और एड्रेस नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आप कलेक्शन मैनेजर, आपके पास पूरी मेरी डिटेल होगी, फिर आप एड्रेस पूछ रहे हो तो गलत नहीं लगेगा मुझे कुछ? मेरे को बता दीजिए जरा एक बार, जिस एड्रेस पे आप रहते थे पहले, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पे आप रहते नहीं क्या प्लीज? अच्छा अरे हाँ ये मैं भूल गया, वो मैंने बदल दिया है ना परेशान कर रहा था एग्जीक्यूटिव। चलिए ठीक है सर, फिर आप एक काम करो मुझे QR कोड भेज दो, मैं आपको फोन पे कर दूंगा पार्टी। क्या कर देंगे पार्टी? कर देंगे QR कोड भेज दूंगा अपना। हाँ फोन पे कर दूंगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड एड्रेस था ना उस पर बहुत एग्जीक्यूटिव आ रहे थे परेशान कर रहे थे, तो मैंने बदल दिया। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, ऐसी बात होती रहेगी आपसे। क्या सर? मैं कह रहा हूँ ऐसी बात होती रहेगी सर, मीठी 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 कोई बात नहीं, हम तो मीठी मीठी भी कर लेंगे सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट का कुछ है पोजीशन सर? नहीं है पेमेंट का तो सर अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा
चलो ठीक है, ठीक है सर, ओके बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे। हेलो हेलो सर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको डिफॉल्ट भी करवाना था, आप कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है? मैडम उठा तो लिया। हाँ तो सर, जब आपको इतना सीनियर कॉल कर रहे थे तब आपने उठाया ही नहीं। कौन कौन कर रहा है? कॉल भी करवाना है इनको और कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। मैडम आप अपने बोलने का तरीका बदलो पहले। सर आप सीनियर से बात कर दीजिए। मैडम सीनियर से बात कराओ, कौन है आपका सीनियर? हेलो, हाँ भाई सीनियर साहब कैसे हो? हेलो, मैं कह रहा हूँ सीनियर साहब कैसे हो? हाँ जी सुरेश बोल रहा हूँ, बताइए। क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बुरा हाल। क्या 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 हो गया? आप कमलेश जी का क्या लगती हो? कमलेश जी बोल रहा हूँ। अच्छा कमलेश जी बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत आ गई है सर पेमेंट कराने में? बताओ पेमेंट कराने में दिक्कत जाननी है आपको? हाँ जी पेमेंट कराने में सर क्या बताऊँ मैं आपको, कोई तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा तभी आप नहीं कर रहे हो ना। आपका नाम क्या है? सुरेश बोल रहा हूँ मैं। सुरेश? हाँ जी। और क्या कहते हैं आपकी क्या पोस्ट है? आप सीनियर हो तो क्या पोस्ट है? मैनेजर। अच्छा मैनेजर है आप, तो मिस्टर सुरेश इसको ना डिफॉल्ट करूँगा मैं। अच्छा वैसे 15-20 हज़ार रुपये लेके डिफॉल्ट करना? नहीं 15-20 हज़ार नहीं है ना, कम से कम 50 लाख है, मल्टीपल है। 50 हज़ार से क्या हो जाएगा बताओ, डिफॉल्ट करोगे 50 हज़ार से क्या हो? 50 हज़ार नहीं बोल रहा हूँ, 50 लाख बोल रहा हूँ, लाख एल के। अच्छा 50 लाख रुपए डिफॉल्ट कर रहे हो? हाँ हमारे तो कंज्यूमर लोन है दादा। अरे मल्टीपल डेप्ट है ना, मल्टीपल। अरे मल्टीपल होंगे बात समझ गया तुम्हारे, पर कोटिंग में इतना थोड़ी है कि 50 लाख होगा आपके पास। अरे समझे नहीं ना आप, समझे ही नहीं आप कहने का मतलब। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कोटेक से 50 लाख थोड़ी है आपका। नाम क्या बताया? कंज्यूमर लोन है। नाम क्या बताया? सुरेश। सुरेश नाम है। मिस्टर सुरेश जैसे कि मैं आपका लोन देता हूँ मान लो, और आपका ही देता हूँ, सबके नहीं देता तो भी सिविल बेकार होगा, और आपका नहीं देता सबके देता हूँ तो अभी होगा, तो मैं क्यों दूँ? डिफॉल्ट ही ना करूंगा पूरे 50 लाख का, समझे नहीं आप? 50 हज़ार रुपए लेके क्या क्या डिफॉल्ट कर रहा हूँ? 50 हज़ार नहीं 50 लाख। अरे 50 लाख रुपए थोड़ी ना कोटेक से लिए भाई मेरे। मैं तो भाई मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़ के यार, बूंद बूंद से ही तो समुंदर बनता है, ये थोड़ी है कि पूरा बाल्टी डाल दो समुंदर में। अच्छा तो 50 लाख रुपए लिए हैं आपने? हाँ 50 लाख टोटल है सबका। अब तो मैं बिजनेस भी डालने की सोच रहा हूँ उनसे। बाद में क्या थोड़े बहुत पैसे निकाल के सेटलमेंट कर लूंगा 10-8 लाख में 50 लाख। फिर बाद में सिविल अच्छा कर लूंगा, सिक्योर लोन ले लेकर फिर बाद में डिफॉल्ट कर दूंगा। चलो कोई नहीं भाई, चलो अगर तुम्हारा मन करे तो कर देना, नहीं मन करेगा तो मत। मन ही तो नहीं कर रहा मिस्टर सुरेश। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, देखो आर्ग्यूमेंट करने का फायदा है नहीं, आर्ग्यूमेंट मुझे करने नहीं। सुनो तुम किसी एजेंसी में काम करते हो ठीक है, तो तुम्हें इस चीज को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम इतनी बातें कर रहे हो ना। मैं एजेंसी में काम नहीं करता, एजेंसी ओनर हूँ। अच्छा एक तरीके से मतलब एजेंसी होना मेरा ही भाई है। चलो ठीक है ओके। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, ऑडिबल? यस मैडम। मैम ऑडिबल? यस मैडम। सर आई एम स्पीकिंग विद बादशाह साहिब। यस मैडम। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन सर, माय नेम इज खुशी, टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेड। This call is being recorded for training and quality purpose. मैडम मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें। Yes मैडम। This is regarding to your EMI. Okay मैडम बताइए। Sir am I audible? हाँ मैडम। Sir ये call आपके EMI के रिगार्डिंग है जो कि अभी तक पेंडिंग है, और अमाउंट है उसका 6227 और ड्यू डेट थी इसकी 2nd of May। सर मे आई नो द रीजन व्हाई यू हैवंट क्लियर इट येट? क्या मैडम? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैडम आ रही है। सर ये कॉल आपके EMI के रिगार्डिंग है, और आपका EMI जो
अमाउंट है वो है 6227 और ड्यू डेट थी 2nd of May। सर आप मुझे रीजन बता सकते हैं आपने अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया है? मैडम थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, मनी का इश्यू है। तो सर आप किसी से अरेंज करके या अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा हेल्प ले क्लियर करवा दें? नहीं मैडम हो नहीं पा रहा ना, आपको पता है कि आप रिपीट करेंगे? मैडम हो नहीं पा रहा, अरेंज हो नहीं पा रहा। सर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करते रहें, क्योंकि 2nd of May आपका EMI ड्यू डेट था और आपको माइट भी एक बार आपको बाउंस चार्जेस फेस करने पड़ सकता है और मंथ एंड में तो आपको 3rd time में भी बाउंस चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट हो सकता है सर। ओ मैडम सर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप जल्द से जल्द क्लियर कर दें, क्योंकि जब बाउंस चार्जेस लगता है तो फिर वो एक बार में एक पेमेंट पे 500 to 600 लगता है। तो मैं आपको जैसा आप कह रहे हैं आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहती आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें। थैंक यू मैडम आपने बता दिया, ठीक है मैडम मैं ना अभी मैडम ट्राई करता हूँ देखता हूँ उसका। ओके मैडम। हाँ जी सर। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे मैडम, ग्रेट डे, थैंक यू फॉर चूजिंग ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।